वेलकम टू माय चैनल देसी खाना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मज़ेदार सी कोयला कढ़ाई बना रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत क्विक रेसिपी है। तो एक कप मैंने ऑयल लिया है और उसमें मैंने चिकन डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। और आप बोनलेस चिकन से भी बना सकते हैं। जाएगा एक टेबल स्पून लहसुन और अदरक मैंने नहीं डाला, सिर्फ ये लहसुन है और ये मैं इसको कम कर दूँ। ये अच्छी तरह मैंने फ्राई कर लिया है लहसुन डालकर। अब मैंने दो टमाटर लिए और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। ये इसका पेस्ट चला गया इसके अंदर और अब इसको मैं भून लूँगी। चार सब्ज मिर्चें और थोड़ा सा धनिया मैंने लिया है तो उसको मैंने अच्छी तरह ये पीस लिया और ये भी अब इसमें मैं डालूँगी। सब्ज मिर्चें और धनिया भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसमें इसके मसाले ऐड करूँगी। अब जो मसाले इसमें जाएंगे वो है 1 टेबल स्पून सॉल्ट, नमक, 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च और 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया। सॉरी, ये गरम मसाला है और ये सूखा धनिया है। तो 1 टेबल स्पून मैं लूँगी भर के सूखा धनिया पाउडर और गरम मसाला जो है वो 1/2 टेबल स्पून लूँगी। तो ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। तो ये सारे मसाले जाएँगे चिकन में। अब मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी जब तक कि इसका पानी ना ड्राई हो जाए और ऑयल इसका ऊपर ना हो जाए। अभी ये मेरे पास थोड़ी सी सब्ज मिर्चें हैं और अदरक मैंने बारीक काट लिया है और लीमू भी मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं और ये मैं अब इसमें चिकन में शामिल करूँगी। अब मैं इसको करूँगी ये। अब मैंने लिया है थोड़ा सा दही 1/2 प्याली और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको बीट करके ये मैं चिकन में डालकर टोस्ट को दम पे रख दूंगी ताकि थोड़ा सा जो चिकन हमारा अगर कच्चा है तो वो गल जाएगा। दही मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको मैं करूंगी मिक्स और इसको मैं दम पे पकने के लिए रख दूंगी। जी, चिकन हमारा गल चुका है और इसको दम पे रखने से पहले मैंने थोड़े से प्याज के रिंग काट के तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिए थे और मैंने इसको दम लगा दिया था। अब मैं इसमें कोयला रखूंगी और उसका स्मोक दूंगी 3 मिनट के लिए। 3 मिनट बाद मैंने इसका दम खोल दिया है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ज़बरदस्त किस्म की कोयला कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।